Hello everyone, welcome back. My Jugendra Kumar. In this video, just I am talking about the kinematics. This is the our physics का third episode है हमारा physics का. इस third episode में मैं kinematics बता रहा हूँ, और kinematics में से मैंने first topic जो लिया, that is a straight line motion, that is a 1D. इस 1D में कौन कौन से important question है, कौन कौन से महत्वपूर्ण question आपसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से वो topic है जिनसे किस type के question बनते हैं या पूछे गए हैं अभी तक, तो वो मैं आपसे सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल करूँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिटेल करना. तो क्या क्या डिटेल करेंगे वो हल्का सा हिंट ही कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे डिटेल स्टार्टिंग करते हैं. इसमें आप डिस्टेंस यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में आप डिटेल करेंगे. उसके बाद फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन. तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ. पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक क्वेश्चन जो मेरे को इसमें लगता है जो पूछा जाता है वो है क्या. सपोज करो ये एक ए पॉइंट है और ये एक दूसरा बी पॉइंट है. इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के इन्फिनिटिव रास्ते हैं. इन्फिनिटिव रास्ते से बंदा जा सकता है. एक सीधा रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता कुछ इस टाइप से है, एक रास्ता कहीं और से घूम के यहाँ पे आता है. हर एक की पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचने के इन्फिनिटिव वे हैं. वो इस रास्ते से होके जा सकता है, इस रास्ते से होके जा सकता है, इस रास्ते से होके जाएगा, यहाँ से और इस वाले रास्ते से. इसके पास डिफरेंट रास्ते हैं जहाँ से वो ए से बी पॉइंट पर जा सकता है. तो अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज अ सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट ड्यू टू एनी पाथ, कोई से भी पाथ से होके जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ये याद रखें, क्यों होगी मैं बताऊंगा आपको. डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. यानी क्या, मैं जब इस एक पॉइंट से चला और मैं यहाँ रुका, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैं प्लस में काउंट करूंगा. फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ रुका, तो उसकी दूरी को मैं प्लस में काउंट करूंगा. फिर आगे जाऊंगा और यहां से यहां तक की दूरी को मैं फिर से प्लस में काउंट करूंगा. तो मतलब क्या, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करती है. अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं और मैं चलता जा रहा हूं, तो मेरी डिस्टेंस है वो क्या हो रही जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ये मैं अभी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं. दूसरा पॉइंट बात करें कि दो पॉइंट के बीच में इन्फिनिटिव पाथ हो सकते हैं जाने के लिए. किसके लिए, डिस्टेंस के लिए. इसके लिए क्या होते हैं, इन्फिनिटिव पाथ हो सकते हैं. डिस्टेंस के इन्फिनिटिव पाथ होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए. ठीक है, इस मोशन के अंदर कभी भी अगर कोई बंदा है भागा भागा जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, अगर सपोज करो वो इस पॉइंट से भागा भागा यहां तक पहुंच रहा है अभी तक, तो उसकी जो डिस्टेंस है कैन नेवर बी, यानी ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द मोशन डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज, कम नहीं हो सकती कभी भी, कभी भी कम नहीं होगी, डिक्रीज. ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट है. किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में. लेकिन अगर मैंने डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा पाथ होता है जो मैंने यहाँ पे बोला. तो ये अभी तक जितने भी पाथ पढ़े हैं ये सारे के सारे किसके लिए पढ़े थे आपने, डिस्टेंस के लिए. लेकिन ये वाला जो पाथ है, ये वाला, दिस पाथ सो डिस्प्लेसमेंट. What is the definition of displacement? The displacement covered separation which with direction along a straight line. That is displacement. Because displacement, आप जब speed और speed और velocity पढ़ेंगे, तो velocity को define करने के लिए आप displacement use करते हो, और velocity is a vector quantity, और vector quantity के लिए direction और मैग्नीट्यूड दोनों मस्ट होते हैं. तो डायरेक्शन तो मस्ट है, तो दैट्स मीन इसके लिए डायरेक्शन मस्ट है कि इधर उधर से जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है 1.2 बी पॉइंट, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट. ये चीज आपने पढ़ी. दूसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, यानी कमी तो है. हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है. अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा हूं, तो डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. यानी मोशन के टाइम पे जब आपने बोला कि जब मोशन में अगर आप चल रहे हो, आप भागे भागे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो डिस्टेंस तो हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बट डिस्प्लेसमेंट
घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, जीरो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। तो अब क्या लिखा, इट मे बी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसके बारे में बोलेंगे। तो ये जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसके बीच में इन्फिनिटिव पाथ नहीं होते, डिस्प्लेसमेंट के बीच में इन्फिनिटिव पाथ नहीं होते, वन सिंगल पाथ होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व होती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ इन्वॉल्व होता है सिर्फ। दूसरा, ड्यूरिंग द मोशन जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, इंक्रीज और जीरो, यानी इंक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मोशन के दौरान। एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को ही मुझे डिफाइन करना है इन सब कहानियों से, तो वो चीज़ समझें क्या है वो रिलेशन। ये पीएमटी में काफी बार पहले पूछा जा चुका है, जैसे डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, दैट्स मीन डिस्टेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ये बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी इस क्वेश्चन में आपने सिंपल सी चीज देखी कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। किससे डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कैसे रहेगी समझें, ये एक पॉइंट है ए, मैं इस ए पॉइंट से और ये एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट के बीच में दो जंक्शन आते हैं, एक जंक्शन आता है सी नाम का और एक जंक्शन आता है डी नाम का। यहां से यहां तक की दूरी है 5, यहां से यहां तक की दूरी है 3 मीटर, लिख देते हैं 3 मीटर, 5 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ए से, जब पार्टिकल, यानी डिस्टेंस बतानी है जब कोई भी इंसान यहां खड़ा हुआ है और वो मूव करना शुरू करा, ए से पहले वो गया बी, बी से फिर वापस आता है, फिर वो गया सी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि ए से बी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 प्लस 3 प्लस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज 12। यानी ए से बी की जो डिस्टेंस है, यानी ए टू बी जो गया जब, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 12 मीटर। जब वो बी पे पहुंचा तो बी से वापस आया, कहां पे गया, सी पे, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इज ए 19 मीटर, 19 मीटर ये इसने कवर करी। बट सेम क्वेश्चन इसी से मैंने पूछा आपसे, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा, यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं और मैंने यहां पे डिस्टेंस की जगह वर्ड लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्टेंस आपका कितना आया था, 19 मीटर। इसने बोला कि एक ये जो इंसान है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, हाँ जी साहब ठीक है, ये टोटल इसने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, ए से बी के बी ए से बी तक पहुंचने में। लेकिन जब वो बी से सी पे आया तो वापस उसने उतना ही रास्ता कवर कर लिया, यानी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर, मीटर इसमें प्लस नहीं होगा, 7 मीटर इसमें प्लस नहीं होगा, अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट्स वैल्यू इज ए 4 मीटर। तो इस बंदे ने जब वो यहां से घूम घाम के, यहां से पहले यहां गया, फिर यहां से वो सी पे आ गया, तो इस जगह पे जब वो पहुंचा तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो तय करी, वो कितनी आई, 4 मीटर आई। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आएगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। वो आपने इस चीज से देखा क्यों आई, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और नेक्स्ट चैप्टर दर्ज है मोशन इन प्लेन, वहां पर मैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में तो मैं अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अभी क्या समझा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, यानी डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और सपोज करो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये इंसान ए है, इस ए से बी पे गया, बी से फिर दोबारा से ए पे आ गया, मैंने पूछा डिस्टेंस क्या है, तो आप डिस्टेंस बोलोगे यहां पर हो जाएगी, यहां से जब यहां गया तो 12,
फिर यहाँ से यहाँ गया तो +12, तो टोटल कितने जगह 24 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे कि वो जब यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से मतलब ए से बी गया और बी से फिर दोबारा ए आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इन दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, जीरो हो गई, दैट इज द आंसर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी यानी स्पीड के बारे में। स्पीड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, तो हेडिंग लिखें स्पीड। हेडिंग है आपकी स्पीड। अब स्पीड में आप क्या समझेंगे वो देखें। स्पीड की डेफिनेशन दैट मैंने बोला अभी लास्ट आपने पढ़ा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज यूज्ड फॉर द स्पीड बिकॉज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। दिस इज एस दैट इज एस दैट इज एस। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी बिकॉज दिस इज ए वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर के लिए जरूरत पड़ती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की। वट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैंने बोला एक बंदा है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस। मैंने बोला कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो इस ओरिजिन से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो मैं प्लस का लूंगा, तो मुझे पता है कि वो पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में गया तो प्लस की वैल्यू लिखूंगा इसकी। अगर मैंने बोला यही पर्सन ऊपर से लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो मैं इस टाइम पे नेगेटिव लिखूंगा, डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ ही यूज करूंगा, दैट्स अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसकी वैल्यू। जैसे मान लो इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो वो वाली मैग्नीट्यूड यानी जो उसकी वैल्यू होगी। ये आपने कुछ यहाँ पे समझा। अब वेलोसिटी और स्पीड में देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड। स्पीड के लिए डेफिनेशन ये है कि द कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ए एवरेज स्पीड। स्पीड है जो कवर्ड कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। द एस इज स्टैंड फॉर स्पीड, दैट द एस इज स्टैंड फॉर स्केलर, दैट द स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मतलब कुछ इसके एप्लीकेशंस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, तो पहले रफ कर देते हैं फिर एक दो एप्लीकेशन आप इजीली से यहाँ पे लिख भी पाए। ये एक एक पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब पर्सन जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, तो उसको तीन जंक्शन मिलते हैं, मतलब यहाँ पर तीन जंक्शन मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब दो जंक्शन मिल गए वैसे बेसिकली। तो इसने ये बोला, मैंने बोला कि इस ए से इस सी पॉइंट, इस डी पॉइंट, तो ए से सी तक पहुंचने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर करी, वो डिस्टेंस कवर करी साहब d1। उसको इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने t1 टाइम लगा दिया, और उस टाइम पे उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी उसकी s1। सेम कंडीशन ये रही, सी से डी जाने पे उसने डिस्टेंस कवर करी d2 और उसने टाइम लगा दिया t2, और उसने जो स्पीड थी उस टाइम पे उसकी थी s2। नाउ सेम कंडीशन इज हियर, d3 t3 एंड s3, दिस द वैल्यू। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन टर्म ऑफ, एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में स्पीड पूछ ले, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, तो तब हो जाएगा d1 + d2 + d3 डिवाइड बाय t1 + t2 + t3। बेसिकली हम ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, द एडिशन ऑफ दैट वैल्यू, दैट इज d1 + d2 + d3 + d3 डिवाइड बाय t1 + t2 + ये सब मैंने इसी के अकॉर्डिंग कर दिया। तो फर्स्ट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन रिलेशन पूछे इन बिटवीन, या क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो और आपको वहां पे डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसलिए अनदर क्वेश्चन, इफ एन अनदर क्वेश्चन द एवरेज स्पीड इज आस्क्ड
विद अ रिलेशन इफ क्वेश्चन इज गिवन दैट डिस्टेंस एंड स्पीड। क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो उस टाइम पे रिलेशन क्या बनेगा? तो आपको तो पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई मैं टाइम की जगह क्या कर दूंगा, स्पीड को पुट कर दूंगा, तो डी डिवाइड बाय एस। टाइम की जगह क्या कर दूंगा, डी डिवाइड बाय एस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वन, तो डी वन रहेगा प्लस डी टू रहेगा प्लस डी थ्री रहेगा। इस डिवाइड बाय चेंज हो जाएगा टाइम, क्योंकि टाइम क्वेश्चन में नहीं दे रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दे रहा स्पीड दे रखी है। तो उस टाइम पे मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, डी वन डिवाइड बाई एस वन, टी वन निकालना होगा तो है ना, और टी टू निकालना है तो डी टू डिवाइड बाई एस टू, तो उस टाइप से कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वन डिवाइड बाई एस वन प्लस डी टू डिवाइड बाई एस टू प्लस डी थ्री डिवाइड बाई एस थ्री। ये इसका सेकेंड क्वेश्चन का रिलेशन हो गया डिस्टेंस और स्पीड के बीच में। वट इज द थर्ड रिलेशन इन बिटवीन वैन डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी तब एवरेज स्पीड कितनी होगी वो देखें, तब हो जाएगा एस वन टी वन। क्यों, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस डी वन निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एस वन इंटू टी वन, तो एस वन इंटू टी वन प्लस एस टू इंटू टी टू प्लस एस टू इंटू सॉरी एस थ्री इंटू टी थ्री इज डिवाइडेड बाय टी वन की वैल्यू, वही टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। दिस इज द थर्ड इक्वेशन द रिलेशन इन बिटवीन द दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द स्पीड एंड टाइम इफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन यू यूज दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक एक फंडा देता हूँ, जैसे अब इसके लिए क्या है, इसको हटा देते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन के एप्लीकेशन चेंज कर देते हैं, एप्लीकेशन कुछ इस टाइप की। जैसे सपोज करूँ कि हम ये करते हैं कि मैं हेडिंग लिख देता हूँ, स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं आप ना अभी, इफ वी कंसिडर ए मोशन, एक मोशन कंसिडर किया विद टू विद टू इक्वल सिगमेंट यानी इक्वल डिस्टेंस, सिगमेंट ऑफ डिस्टेंस, दैट्स मीन इज डी वन इज इक्वल टू डी टू। ये चीज आपने पढ़ी, ठीक है। अभी हम क्या करते आ रहे थे, क्वेश्चन में आपने जस्ट पढ़ा कि क्वेश्चन में आपने ये पढ़ा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है डी वन प्लस डी टू इज डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू, ये दे दिया। अब साहब इसमें रिलेशन आपसे पूछ रहा है, टाइम आपको दे नहीं रखा, उसने पूछा है मोशन दे रखा है आपको, स्पीड दे रखी है, तो स्पीड की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं इस टाइम को रिप्लेस कर सकता हूँ डिस्टेंस के फॉर्म में इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया डिस्टेंस, तो यहाँ पर इक्वल है, तो डी वन यानी मैंने डी लिख दिया प्लस डी लिख दिया इज डिवाइडेड बाय, इसकी जगह करूँगा तो डी डिवाइड बाय एस वन प्लस डी डिवाइड बाय एस टू, ये मेरे पास आ गया, ये वैल्यू हो गई। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो डी डी कॉमन आने के बाद पूरी वैल्यू कट जाएगी। फाइनली वी हैव ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट टू एस वन एस टू इज द एवरेज स्पीड। दिस इज द इम्पोर्टेंट डायरेक्ट यूज करने के लिए, जैसे मैं भी जस्ट बताऊंगा एक क्वेश्चन करके आपको, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चनों में, कैसे यूज करेंगे आप आगे देखेंगे जस्ट आप आगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन आता है ना, इसमें मैथ में जब आप पढ़ते हो तो मैथ में ज्योमेट्रिकल पढ़ते हो, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक, तो जो अर्थमेटिक होता है और ज्योमेट्रिक होता है उसके अकॉर्डिंग ये है। तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिकल मीन ओके, बेसिकली थ्री टाइप का होता है, लेकिन दिस टाइप का जो ये बना होता है इसको बोलते हैं हार्मोनिकल मीन। दूसरा मैंने बोल दिया कि अगर टाइम पीरियड सेम है, इस टाइम में ये हुआ तो ये तो अब क्या था, जब डिस्टेंस सेम थी तब वो वाला फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास टू एस वन एस टू इज डिवाइड बाय एस वन प्लस एस टू। बट मैंने बोला कि अब इफ टी वन इज इक्वल टू टी टू, इन दिस कंडीशन एस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोल रहा, अब यहाँ पे टाइम बोल रहा है, तो टाइम क्या होता है, यही वाली वैल्यू, तो डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाय, अब डी को रिप्लेस कर दो आप फिर से वही किससे, एस वन इंटू टी की फॉर्म में, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, अब हमें टाइम टाइम की फॉर्म में, या फिर हमें तो ओनली स्पीड की फॉर्म में आंसर चाहिए,
तो स्पीड की फॉर्म में आंसर लाने के लिए क्या करूँगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे डिस्टेंस को रिप्लेस करना है, तो एस मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वो देखें मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस वन इंटू टी, टी तो सेम है इक्वल है, प्लस एस टू इंटू टी इज डिवाइड बाय टी वन प्लस टी वन इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू टी टी कॉमन आएगा तो टी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एस वन प्लस एस टू इज डिवाइड बाय टू, दिस इज ए अनोदर इक्वेशन इम्पोर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन वो बोलते हैं मैथ के अकॉर्डिंग इनको वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये जो चीज़ देखी, इस चीज़ से आपने अभी ये चीज़ समझी, अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, जैसे इसी टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है आपका ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको थोड़ा वो हो जाएगा, क्वेश्चन है इफ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जिसकी स्पीड चेंज नहीं होती हो, सेम रहती हो, जैसे यहाँ से जब बंदा यहाँ पहुँचेगा ना, तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा भागा गया, तो उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, लेकिन मैंने बोला वो पहले यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड से गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड कर दी, तो ये तो अलग अलग हो गई, तो दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है जब सेम, उसने कभी स्पीड चेंज नहीं करी, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है इन हाफ जर्नी डिस्टेंस की बात कर रहा है, फॉर ए नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पार्टिकल मूव विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड फॉर इक्वल टाइम, टाइम यहाँ पर क्या है, इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल, डिटरमाइन एवरेज स्पीड, ठीक है, क्वेश्चन समझिए अब आप, जस्ट आपने भी थोड़ी देर पहले किया भी है, अभी फॉर्मूले किए हैं, उन्हीं फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे इसको समझेंगे थोड़ा, तो पहले क्वेश्चन समझ लें, आपको पता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसकी स्पीड क्या है, ये दे रखी है भाई, ये एक पार्टिकल है इस ए पॉइंट से आधी डिस्टेंस उसने कवर कर ली 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन जब वो आधी डिस्टेंस कवर कर ली तो बोल रहा है उसके बाद की जो हाफ डिस्टेंस है उसने दो स्पीड के साथ कवर करी, कि मान लो कि उसने स्टार्टिंग की जो ये इस वाले हाफ की, तो आधी करी उसने 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और उसके बाद वाली उसने कर ली 12 मीटर पर सेकंड के हाफ से, लेकिन इस टाइम पीरियड में उसने बोला कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, इक्वल है, तो टाइम पीरियड इक्वल है, यानी मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है और इसका जो टाइम पीरियड है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल टाइम इंटरवल हो गया। तो जस्ट मैंने अभी एप्लीकेशन कराई, उस एप्लीकेशन में बोला था कि अर्थमेटिक में आप देखें वहां पर टाइम पीरियड इक्वल है, तो टाइम पीरियड इक्वल है तो वहां पर जो स्पीड निकाली आपने वो स्पीड कैसे निकाली, यानी एवरेज स्पीड निकालूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा साहब वो देखें, तो यहां पर मैंने एवरेज स्पीड निकाली वो आ जाएगी एस वन प्लस एस टू इज डिवाइड बाय टू, इस वाले की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 18/2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। आपको समझे मैं क्या समझा रहा हूं, जब टाइम पीरियड इक्वल, जैसे देखो ये तो इक्वल है लेकिन यहां पे दो स्पीड दे दी, अब दो अलग अलग स्पीड है और उन स्पीड में भी इसने बोल दिया कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, शुरू से देखो इफ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ भाई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन हाफ जर्नी, इसने आधी दूरी तो किससे तय कर ली, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर ली, लेकिन जो दूसरी आधी आधी दूरी है
फॉर ए नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, जो आधी नेक्स्ट डिस्टेंस है, वो पार्टिकल मूव विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड। हमें नहीं पता उसने कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी स्पीड यूज़ करी, बट मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर उसने 6 मीटर यूज़ करी और इतनी उसने, मतलब ये वाले डिस्टेंस उसने इतने स्पीड में कवर कर ली। अब बोल रहा फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो क्या लगा, इक्वल लगा। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट लास्ट आपको अभी कुछ एप्लीकेशन बताई, उस एप्लीकेशन में आप टाइम पीरियड इक्वल के लिए एवरेज स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर 12 आ रही है, वैसे इन दोनों की के एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 9 आएगी। 9 आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी, इसको मिटा देता हूँ मैं। सॉल्यूशन है अब ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में ये है, जब आपको ये पता चल गया तो एवरेज स्पीड, यानी अब ये कुछ इस टाइप से है कि दो डिस्टेंस, ये वाली 12 मीटर पर सेकेंड से ये कर रहा है और ये वाली कर रहा है ये 9 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। डिस्टेंस दोनों की क्या है, ये D1 है, ये भी क्या है D2 है, इक्वल डिस्टेंस हो गई ना दोनों की दोनों। तो ये भी D1 मान ली, ये भी D1 मान ली। इसने यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड जो लगाया होगा, इसने भी आधा टाइम पीरियड लगाया और इसने भी क्या लगाया होगा, आधा टाइम पीरियड लगाया, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल है तो डिस्टेंस भी इनकी और टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आगे की कहानी देख लेते हैं साहब। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला सिंपल जो आप यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते आ रहे हैं, D1 + D2। अब मैंने यहाँ पे D1 D2 लिख दी, इक्वल डिस्टेंस लिख दी, लेकिन आपको पता है स्पीड की फॉर्म में स्पीड आपको दे रखी है, टाइम की कहानी इसने कह दी, बट यहाँ पर डिस्टेंस भी बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस ये फुल डिस्टेंस ये, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम पीरियड टी हाफ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं करूँगा नहीं। तो मुझे यहाँ पर स्पीड दे रखे, तो मैं इसको स्पीड में चेंज कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को मैं चेंज कर दूंगा, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम को अगर रिप्लेस करूँ, क्योंकि टाइम तो मेरे को क्वेश्चन में बोल नहीं रखा कि क्या क्या है, बट वो दूसरे के लिए बोल दे कि हाफ, तो डिस्टेंस आधी ये आधी वो, तो मुझे टाइम निकालना है। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा D1 / S1। तो पुट करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर, तो D1 तो D1 रहेगा, यानी ये D1 क्या है, आधी डिस्टेंस है, प्लस D2 क्या है, ये भी आधी डिस्टेंस है, यानी आधी आधी डिस्टेंस उसने कवर करी। टाइम पीरियड हो जाएगा D1 यानी D/2, इसके बटे में S1 कितना है 12, प्लस D/2 इसके बटे में स्पीड कितना है 9। अब आप D/2 D/2 कैलकुलेट करें, आपके पास एक आंसर आएगा। D/2 D/2 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 2, बटे में यहाँ से D/2 D/2 कॉमन आ गया, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/9 यानी 12 × 9, और 12 + 9 कितना हो जाएगा 21, ये वैल्यू आ गई। इसको ऊपर भेज दें आप, 2 / 12 / 9 इज डिवाइड बाय 21। देखो ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो वाली चीज़, नहीं समझ रहे होंगे ना, मैं समझा देता हूँ, रुको, कन्फ्यूज हो रहे होंगे। D1 / D2, देखो इसमें से मैं D/2 कॉमन ले लिया, D/2 कॉमन ले लिया, तो D/2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 + 1 ये कॉमन आ गया, ये रह जाएगा बटे में, यहाँ से भी मैंने D/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1/12 रह जाएगा, प्लस का D/2 फिर से कॉमन आ गया, तो 1/9 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, D/2 से D/2 कट गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू वैल्यू ऊपर तो 2 आ जाएगी, डिवाइड बाय इसको सॉल्व करते तो एलसीएम लेंगे ना, तो 12 × 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 का 12 में भाग दिया, तो यहाँ पे 9 + 9 का इसमें भाग दिया, तो 9 कट गया, 12 बचा 12, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 / 21 / 12 × 9। अब ये तो इसके डिवाइड में है, तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 / 12 / 9 / 21। अब वही क्या बोलते हैं, डिवाइड करें, 3 7 पूरी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 36 36 / 2 72 / 7, देन यू हैव ए आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज 1.03 अप्रोक्सीमेट, 2 + 3 आ जाएगा। तो ये इसने एवरेज मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी 10 पॉइंट, आपको आंसर नहीं दिख रहा, कैलकुलेशन तो दिख रही है ना, हाँ ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा 10.3
मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। अब मैं इनके बारे में कुछ स्पीड का कुछ ग्राफ बता दूं एक दो, ठीक है। जैसे अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो एक एक ग्राफ ही बताऊंगा मैं आपको। एक ग्राफ देखो, ये ग्राफ बना रखा है, आपको कई ग्राफ ऐसे भरे हुए मिलेंगे। मैंने बोला ये डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पीड भी हो सकता है, दोनों के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसे दे रखा है तो ये ग्राफ ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब ये पूछा क्या, दिस ग्राफ इन बिटवीन डी एंड टी इज पॉसिबल, आपसे पूछा गया। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ बना रखा है, ये पॉसिबल होगा, या स्पीड और टाइम के बीच में ये ग्राफ पॉसिबल होगा? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता साहब, पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक टाइम पे, ये देखें, इस एक टाइम पीरियड में, यहाँ पर कोई टाइम होगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 10 सेकेंड बोल दिया, तो इस 10 सेकेंड पर ये एक पार्टिकल दो जगह कभी भी हो थोड़ी सकता है। हाँ, बहुत थोड़ी है, अभी यहाँ अभी यहाँ। तो मतलब ये है कि एक जो पार्टिकल होगा वो 1 टाइम पीरियड में 2 लोकेशन पे पॉसिबल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोल दूँ, क्योंकि इन अबव ग्राफ, यानी इस ग्राफ के अंदर क्या है, ये जो ग्राफ है इज इम्पॉसिबल, बिकॉज बिकॉज बिटवीन टू पोजिशन, जो 2 पोजिशन है वो एक साथ में 2 ही इवेंट अलाउड नहीं करता। एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, एक इवेंट यहाँ पर हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम एंड द डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज। डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस फिर घटेगी भी नहीं, ये चीज़ भी है। डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो वो घटती नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पहले पढ़ चुके हो, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ वाला बना आ जाए तो आप ग्राफ वाला कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। दूसरा, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में क्या डिफाइन करना है, तो वेलोसिटी के बारे में देखें आप, तो वेलोसिटी क्या डिफाइन करते हैं वो देखें। व्हाट इज द वेलोसिटी? नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के लिए आपने क्या यूज किया था? डिस्टेंस। नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज अ वैक्टर क्वांटिटी, दैट इज वी फॉर वेलोसिटी, दैट इज अ वी फॉर वैक्टर। तो वैक्टर क्वांटिटी, वैक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों की जरूरत पड़ती है। दैट्स एवरेज वेलोसिटी, द वैक्टर साइन, दिस इज द वैक्टर साइन, इज इक्वल टू एक्स टू, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल, यानी सेकेंड लोकेशन, दैट इज X1 इज डिवाइड बाई टाइम पीरियड डेल्टा टी, ठीक है। ये इस चीज़ से आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ फैक्टर बताना चाहता हूँ, कुछ दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है और समझनी तो बहुत ही चाहिए आपको। पहला पॉइंट समझें, पहला पॉइंट ये है साहब, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पार्टिकल मूव कर रहा है, इस ए से इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, पार्टिकल घूमा नहीं, मुड़ा नहीं, वो सीधा जा रहा है अभी भी। तो इस टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं तो हम ये बोलेंगे कि इन दिस कंडीशन लाइन क्या है, इफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, देन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही किसके इक्वल आएगी? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी। कब आएगी? अगर पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो उसने अपने डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन ही न्यू उसने चेंज नहीं करी। जैसे सिंपल चीज़ है, पार्टिकल ए से बी गया, फिर उसने यू टर्न लेके वापस आ गया, सपोज ऐसे हुआ, लेकिन उसने यू टर्न नहीं लिया, वो तो स्ट्रेट जा रहा है। तो स्ट्रेट जा रहा है तो तब आपसे पूछा जाए कि इन दिस कंडीशन इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, देन देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? तो यू से दैट्स मीन इज दैट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। बट इफ द क्वेश्चन इज चेंज, वट सेकेंड कंडीशन, द सेकेंड पॉइंट, द अनोदर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वट इज दिट? इफ इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स ए पॉइंट टू बी पॉइंट, देन इट्स बी चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स मे बी दिस, इट्स मे बी दिस, इट्स मे बी दिस, एनी 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 डायरेक्शन, ओके। एंड इन दिस कंडीशन इफ आई से द पार्टिकल इज मूविंग इन डायरेक्शन,
इफ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन बोथ कंडीशन पार्टिकल विल चेंज देयर डायरेक्शन, दैट मीन इज दैट स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस कैन सॉरी स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी डिक्रीज हियर, दैट्स व्हाई इज दैट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड, दैट्स मीन इज दैट यू नो अबाउट दैट एवरेज स्पीड इज लेस देन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड, कब, जब पार्टिकल ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और उसने यू टर्न ले लिया, स्ट्रेट नहीं जा रहा। अब स्ट्रेट नहीं जा रहा तो भाई इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ओके यू नो अबाउट दैट व्हाट आई से, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये आपने पढ़ा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, देखो क्वेश्चन आता है भाई, मैं क्वेश्चन आता है मैं उस क्वेश्चन के बेसिस पे भाषा बोल रहा हूँ कि एवरेज स्पीड बोलेगा तो वो फॉर्मूला, अगर मैंने आपसे पूछा इन 10 ईयर्स वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए, ओके अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप उसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द वेलोसिटी इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स मीन डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पे, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके तो क्या ये आपने अभी यहाँ पे देखा, मैं इसके अलावा और कुछ एक ग्राफ बता देता हूँ, उस ग्राफ पे आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। एक ग्राफ ऐसे आता है, मान लो ऐसे एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये टाइम है, यहाँ पर इस एक्सिस में ये वेलोसिटी है। मैंने पूछा, अब देखो ये जो एरिया कवर किया, सपोज मैंने इसको डिस्टेंस d1 मान लिया, इसको जो कवर करेगा इसके लिए मैंने इसको d2 मान लिया। अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखो देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बना, मैंने पूछा व्हाट इज नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस मैंने आपसे पूछी, तो नेट डिस्टेंस क्या होगी, पार्टिकल यूं गया यूं गया यूं गया और फिर यहाँ आ गया और फिर इस पॉइंट पे वापस इस एक्सिस पे आ गया, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस अगर पूछा तो d1 प्लस d2 करेंगे, डिस्टेंस विल बी ऐड, डिस्टेंस हमें ऐसा ऐड होगी पहली चीज। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस पूछ लिया, अगर मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा, क्या पूछा, नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने अगर यहाँ से पूछा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर साहब ये हो जाएगा कि d1 एक में से d2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, d1 में से मैं d2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस इज ए नेट डिस्प्लेसमेंट। क्यों कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस में है और ये वाली क्या है, एक नेगेटिव x एक्सिस में, और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है इफ इट विल बी चेंज द डायरेक्शन दैट इट विल बी चेंज बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, यानी उस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो मतलब सॉरी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज चेंज, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू इज डिवाइडेड बाय सॉरी टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाय टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम लगा वो टी, इसका अब ये देखो ये क्या बन रहा है, व्हाट इज द दिस ग्राफ, ये ग्राफ किस टाइप का शो कर रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे है ना, यहाँ आपको पैरलोग्राम जो शो कर रहा है उस पैरलोग्राम के बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ईजिली से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक ट्राइंगल एक स्क्वायर एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा हो इक्वल साइड वाला दिख रहा हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने इसको ऐसे बनाया, आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ऐसे, ठीक है उसे याद रखें। अब मैंने अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी देन डी वन माइनस डी टू इज डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट्स इट, ये इस ग्राफ में पूछा जाता है। अब इसका ये डी वन कैसे निकालूंगा d2 कैसे निकालूंगा, तो d1 और d2 निकालने का तरीका तो साहब ये होता है ना, जो उसका कवर्ड एरिया है वो कवर्ड एरिया निकाल लो, कवर्ड एरिया ये पूरा एरिया कैसे आया, तो ये आया एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1 बाय टू
मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड का सम यानी ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हाइट, तो यानी ये कर दिया 1/2। अगर मान लो ये टोटल, मैंने बोला ये टोटल ए है और यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो क्या है ए है, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो एक्स मान ली, तो ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का, सॉरी ट्रेपेजियम ऐसे नहीं बनाते, ट्रेपेजियम ऐसे बनाते, तो ट्रेपेजियम का एरिया। या फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, एक तो ये हो जाएगा, जमा यानी ऐड, ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ओ सॉरी ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस का चिन्ह, फिर दोबारा से ये क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, तो सेम होगा ये वाला, तो फिर दोबारा से ये ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ गया। फिर इसका निकालेंगे तो डी वन आ गया ये आपके पास, डी टू निकालेंगे तो डी टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इट। तो ई वन डी वन की वैल्यू आएगी, उस डी वन की वैल्यू में से डी टू की वैल्यू आएगी, उसको ऐड कर देंगे, फिर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम दे रखा हो उससे आप डिवाइड कर दें, यू विल फाइंड द एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डी वन में से डी टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। ओके समझ में आया आपने, अभी हमने क्या किया इसी को थोड़ा आगे कर लेते हैं, आगे ये आपने कर ही लिया अभी, बाकी एक्सलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन व्हाट इज द एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इज डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो एक्चुअली एक्सेलरेशन कैसे बताया, आपको बताया कि किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो अगर कोई भी मोटरसाइकिल है, अगर कोई एक मोटरसाइकिल है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये मोटरसाइकिल है ये मूव कर रही है, ठीक है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसमें कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रहा है जिस टाइम पीरियड में वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है दैट इज द एक्सेलरेशन। कितने टाइम पीरियड में कितनी वेलोसिटी हुई दैट इज द एक्सेलरेशन। तो ये इसने यहाँ पे बोला, इसमें अलग अलग होती है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये आपने एवरेज बताया, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, एक दूसरा बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलरेशन एट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, फिर दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है डी स्क्वायर बाय एक्स इज डिवाइड बाय डी टी, ये आता है, सॉरी डी टी नहीं आता, डी टी स्क्वायर आता है, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपने क्या करा डिफरेंशिएट कर दिया, ये देखो ये बेसिक है, ये समझना है कि अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालूंगा पहले, तो फिर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करूंगा और फिर इसको टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूंगा, ये होगा। लेकिन अगर मेरे को क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दे रखा है और उसने पूछा व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ दैट इक्वेशन, देन आई स्टार्ट टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। ओके इफ अगर मुझे डिस्टेंस की दे रखी है, यानी मुझे अगर डिस्टेंस वाले दे रखी है तो उसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तब जाके मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक बार अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा इस मुद्दे पे, तो वेरी नाइस चीज के बारे में। अब एक्सेलरेशन बेसिकली दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक डिफाइन करते हैं एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटिंग और दूसरा करते हैं रिटार्डिंग, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग जो होता है, और ये डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर, ओके और जो इनके बीच में एंगल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड और रिटार्डिंग रिटार्डिंग कैसे भाई, एक्सेलरेटिंग मतलब होता है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, जैसे मानो सपोज करो
एक पार्टिकल है इस डायरेक्शन में वी, पहले पहले पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एक्सलरेटिंग के बारे में, ये एक्सलरेटिंग है। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी मोशन किस डायरेक्शन में है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, एक्स एक्सिस बोल दिया, तो एक्सलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है वो कितना है, जीरो है, बोथ विल बी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि मोशन, फिर क्या हो गया, मोशन इज एक्सलरेटिंग, मोशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सलरेटिंग टाइप का हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला सेकेंड टाइप से बोला कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और मैंने बोला उस वो पार्टिकल पे जो एक्सलरेशन है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा, तो इस डायरेक्शन में है तो ये तो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में ये है तो ये भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में ये है तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में हो गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एट दैट टाइम वी कैन से द थीटा इज बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ पर मोशन किस टाइप का था, मोशन इज रिटार्डिंग टाइप, किस टाइप का है यहाँ पर मोशन, रिटार्डिंग टाइप का है, इस चीज को आप जाने, ठीक है। तो आपने अभी तक दो चीज यहाँ पर देखी, एक्सलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और इन सब चीज के बारे में। अब मैं सबसे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ डिफरेंट चीज जो है वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन्हीं के सब के बारे में, जो तीन आपने पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बारे में, वो है क्या, वो चीज़ देखें। जैसे अभी तक कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो उस क्वेश्चन में आप क्या करते हो, जैसे मैंने बोला, मेरे को क्वेश्चन में ये दे दिया साहब, क्वेश्चन में मुझे दे दिया एक कोई एक्स दे रखा है, इस एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएट बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस डी एक्स अपॉन डी टी, यानी इसको फिर से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी विल फाउंड एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। मैं समझाने के लिए क्या समझाऊँ, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो जैसे मुझे किसी ने दे दिया एक एक इक्वेशन दे दी, एक्स इज इक्वल टू दे दिया 4x² प्लस 5x, 5 नहीं, मैं 3x लिख देता हूँ, 3x प्लस 7, ये लिख दिया मेरे को इक्वेशन। मेरे से पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा मतलब डी वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका क्या करूँगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यानी एक्चुअली ये क्या था, डी अपॉन डी टी था। अब इस एक्स की जगह मैं इस पूरी इक्वेशन को पुट कर दूंगा, जब इस पूरी इक्वेशन को पुट करूंगा तो कुछ डिफरेंशिएट होगा, कैसे होगा वो चीज़ देखें आप, मैं क्या समझा रहा हूँ वो देखें। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अगर आप किसी भी, यानी किसी का एक्स स्क्वायर है, जैसे वाई इज इक्वल टू मुझे कोई दे दिया एक्स की पावर एन दे दिया, तो इसका सोल्यूशन मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट होगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एन की पावर तो नीचे आ जाएगा, एन ब्रैकेट में ये एन नीचे आ जाएगा, एन इसका कॉफिशियंट बन जाएगा, कॉफिशियंट मतलब आगे लिख देना, एक्स का कॉफिशियंट बन जाएगा, एक्स का कॉफिशियंट बन गया, दूसरा एन माइनस वन। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसने आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको एक नई वैल्यू मिलती है जिसको आप इजी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसने उसको आपने डिफाइन कर लिया उसके रिस्पेक्ट में कि भाई मुझे अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अभी क्या किया कि इसको डिफ्रेंशिएट किया इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं अगर इस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको साइड में लिख दूँ, साइड में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई की पावर, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो इसको सॉल्व करेंगे डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन, इसका कोफिशियंट बन जाएगा, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4, तो इसका कोफिशियंट, कोफिशियंट मतलब होता है किसी के आगे वाला, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स का नहीं, यहाँ पे समझें, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 4 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, 3 है, ये किसी का कोफिशियंट नहीं है, कोफिशियंट मतलब होता है किसी भी
अल्फाबेटिकली वर्ड के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों होती है, दैट इज अ कोफिशियंट। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ फोर, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर तो फोर रहेगा, ये कोफिशियंट एन है मतलब, तो ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई टू एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस थ्री, थ्री वन आगे आ जाएगा, वन आगे आ जाएगा, वन आगे आ गया, मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन माइनस वन प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो वन में से वन गया तो जीरो आएगा। अब किसी भी वैल्यू की पावर जीरो होना वो वन कहलाती है। आप अब इसको ये ना सोचें कि भाई ये तो जीरो हो गई तो ये तो पूरा आंसर जीरो, अरे नहीं, एक्स की पावर जीरो है ना, दैट्स मीन इज दैट इट विल बी इक्वल टू वन, इस पूरी वैल्यू को वन माना जाता है ना। तो अगर एक्स की पावर अगर जीरो लिखा है तो वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, तो एक्स एट, एक्स की पावर वन प्लस थ्री, और एक्स की पावर वन यानी पूरा वन हो जाएगा और प्लस जीरो। तो मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरे पास कितने आ जाएगा, ये आ गया साहब 8x प्लस 3। दूसरा, अगर मुझसे ये सब मिटा दूं मैं अब आपके लिए, तो अगर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं करूंगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वही 8, इसकी पावर 1 है तो इसको 1 इससे मल्टीप्लाई, एक्स की पावर वन माइनस वन प्लस थ्री, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो दैट्स मीन इज दैट ये पूरी की वन, इसकी पावर जीरो और इसकी पावर जीरो तो ये वन हो जाएगा यानी 8। तो डी वी अपॉन डी टी ये आपके पास कितना आ जाएगा 8, और यही वैल्यू आपके क्या है, एक्सलेशन है। तो एक्सलेशन आपने कितना फाइंड कर लिया, ये हो गया, तो 8 आंसर आ गया। यानी क्या, एक्स की वैल्यू ये, वेलोसिटी की वैल्यू ये, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये, डिफरेंशिएट इस टाइप से करते हैं, ठीक है। और पीएमटी में ना देखो ये एक चीज आ चुका है, जो क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूँ ये आ चुका है, कि अगर किसी भी उसको क्वेश्चन, ये तो डिफरेंशिएट इस टाइप का हो गया है ना, अब इसको हटा देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पीएमटी में आ चुका है क्वेश्चन, अगर ये आ जाए, अगर दिस इज पॉसिबल इन वी, ओके, इन टर्म्स एज टी, टी जैसे दिख रहा है, जैसे टी के रिस्पेक्ट में अभी आपने सबको देखा, वैसे मान लो वी के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो वी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एक्स, पहला कैसे करूंगा मैं इसको, देखो आपको पता है, आपको पता है कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, यही होता है, बोथ साइड यानी ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब एक सिंपल सी चीज सोचो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी होता है। अब आप यहां फोकस करें किस पर, इस पर, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूं, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, डी वी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी, नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, ओके। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला बनता है, ये नेट में आ चुका है, इससे क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंशिएट करने वाला, कि तो फॉर्मूला बन जाएगा इस वैल्यू को मिल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेलोसिटी मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या टाइम दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या टाइम दे रखा क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा दोस्तों। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना था, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चैप्टर आपका 1D जो है अप्रोक्सीमेटली मैं जो बताना था, और मुझे जो इक्वेशन है मुझे वो बतानी है, मैं उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके इसी टॉपिक का जो आपका थर्ड एपिसोड है उसका जो सेकंड वीडियो आएगा, हम उसके बारे में यानी सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर और कमेंट करें अपने डाउट को, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जे कुमार बायोलॉजी क्लासेस फेसबुक पेज है, तो उसको लाइक करें, उस पर
कमेंट करें अपने डाउट को, मुझे बताएं कि आपका क्या कन्फ्यूजन है, क्या आपको डाउट है, क्या आपको समझ में नहीं आया। वहाँ मेरे को किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींच के मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।